आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैं तो काफी सोच के पहुँचा हुआ था कि भाई भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक आवास पे मैं पहुँच रहा हूँ, तो काफी वहाँ पे डेवलप हुआ होगा, काफी ऐसे पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया था बिहार सरकार। यहाँ पे आज तक, आप भी ध्यान से सुनिएगा, आज तक यहाँ पे कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम हैं सिवान जिले के जीरादेव प्रखंड के जीरादेव गांव में और हम उपस्थित हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास पे। और आपको हम बताना चाहेंगे कि यहां पे बहुत सारे लोग गोपालगंज से चल के आए हैं, जिसमें हमारे एक जाने माने ब्लॉगर हैं अभिषेक गोस्वामी जी, वो यहाँ पर एक ब्लॉग शूट किए। आइए उनसे हम जानते हैं कि वे आ करके यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको कैसा लगा। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा प्रणाम। सर, आप यहाँ पे आए और इस ब्लॉग शूट किए, आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? देखिए, हम तो आए थे यहाँ पे बहुत खुश हो, सही बताएं तो, अगर दिल से बात करें तो अपने देश में देखा होगा आप सभी ने कि 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे नज़दीक आती है तो हमारा ऐसा अंदर से है ना कि मेंटलिटी अपने देश की, देशभक्ति की भावनाएं जागृत हो जाती है। जब हमें पूरे साल कहीं भी रहें, जब 15 अगस्त या 26 जनवरी कुछ ऐसा होता है तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावनाएं उमड़ पड़ती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, हमने सोचा कि भाई 15 अगस्त पे कुछ नया ब्लॉग दिया जाए अपने व्यूअर के लिए, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगा कि पास में भी हैं और सिवान, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं गोपालगंज और सिवान का ही लोकल ब्लॉग शूट करता हूँ, कभी कभी बाहर निकलता हूँ, तो ये लोकल चीज़ें मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था कि 15 अगस्त पे इसे दिखाऊं अपने व्यूअर को। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैं तो काफ़ी सोच के पहुँचा हुआ था कि भाई भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पैतृक आवास पे मैं पहुँच रहा हूँ, तो काफ़ी वहाँ पे डेवलप हुआ होगा, काफ़ी ऐसे पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया था बिहार सरकार की तरफ से। तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और न्यूज़ में काफ़ी सुन रखा था, लेकिन जैसा मैंने सुना था वैसा नहीं है। यहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है, आज भी ये जगह उपेक्षित पड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कुछ भी रोड सही नहीं है, यहाँ का पूरा गंदे नाले सब सड़क पे बह रहे थे, हम लोग उधर से आए हैं रास्ते से, कुछ ऐसा दिखा नहीं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि भाई देश के प्रथम राष्ट्रपति, और आप देख रहे हैं कि कितना नाम हुआ था उस समय। और आजकल देखे होंगे छोटे छोटे नेता जो होते हैं अपने यहाँ के, उनके बड़ी बड़ी बंगले, आलिशान होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े के लिए कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाता है। लेकिन अभी देख सकते हैं जो इनका पैतृक था, मैंने ये राष्ट्रपति होने के बाद नहीं बना, अभी जो स्थानीय कुछ लोगों से मुझे पता चला कि ये उनके पिताजी द्वारा बनवाया गया था, ये जो बंगला है उनके पिताजी द्वारा बनवाया गया था, और जो पैतृक आवास भी है वो भी पिताजी के द्वारा बनवाया गया था, उनका बनवाया हुआ नहीं है। तो ये अपने आप में मैंने ये सोचने वाली बात है, बिहार के साथ काफ़ी भेदभाव। जैसे यहाँ पे मुझे एक बात बड़ा दुखद लगा यहाँ पे कि यहाँ पे आज तक, आप भी ध्यान से सुनिएगा, आज तक यहाँ पे कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है कि कोई कांग्रेस के फॉलोअर हो तो मुझे गलत बोले वीडियो में, लेकिन मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोच सकते हैं कांग्रेस के प्रथम प्रधानमंत्री थे यहाँ के, और उनकी फैमिली पति के घर पे नहीं आता, ये काफ़ी दुखद है। और क्या कर सकते हैं, आपसे बिहार के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। पंडित राजकुमार शुक्ला जी, आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी को महात्मा बनाए, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को जो यहाँ पे ले आके उनको महात्मा जो विख्यात किया, उनको वहाँ चंपारण जो लेकर आए, उस पंडित राजकुमार शुक्ला को भी आज भी उपेक्षित वैसे ही छोड़ा गया, उनको वो पहचान नहीं मिली। डॉक्टर साहब का आज देख सकते हैं पूरा उपेक्षित, हमें काफ़ी निराशा हुई यहाँ पे पहुँचने में। एक शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें काफ़ी निराशा हुई। तो मतलब क्या, मतलब आपके नज़र में क्या होना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ की जो मनता है, सरकार की जो मनता है कहीं ना कहीं साफ नहीं है। देखिए, हम यहाँ पे राजनीति बातें नहीं कर रहे, हम जैसे आप भी समझ रहे हैं कि राजनीति क्या है, इलेक्शन का समय है, कोई भी कुछ भी बोल देगा, राजनीति बात ही नहीं करेंगे। हम देशभक्ति की भावनाएं आपके अंदर देखना चाहते हैं कि भाई देखिए कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे, मैंने देश के लिए लड़ाई लड़े, देश के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, उस व्यक्ति का ऐसे उपेक्षित होना ये शोभा नहीं देता। वो सरकार किसी की हो, भले बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन ये इनको राजनीति से परे रखना चाहिए। किस पार्टी के थे, किस पार्टी के नहीं थे, इनको परे रखना चाहिए। ये सिर्फ एक बात जानिए कि ये भारत रत्न थे और इस भारत रत्न को संजोए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। सर, आप हमसे बात करिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हम आपको मिलवाते हैं गोपालगंज के एक युवा उद्यमी हैं, इनसे जानते हैं कि जब ये यहाँ पे आए तो इनको कैसा महसूस हुआ। सबसे पहले आपके
चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मैं प्यार बड़ा प्रणाम नमस्कार। और ऐसे ही घूमने के पर्पज से हम निकले थे और आज बहुत नाम सुने थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मातृभूमि में ऐसा है वैसा है, हमने भी सोचा थोड़ा सा घूमते हैं, लेकिन आज बहुत आहत पहुंचा दिल को ये सब देख करके कि देश को जिस चीज़ पे गर्व होना चाहिए, जो देश के लिए जो पहचान बने, आज उनका मैंने जो उनका मातृभूमि है उसका ये स्थिति है, ये कभी भी मैंने विश्वसनीय बात नहीं है, लेकिन आज देख के बहुत आहत हुआ। वैसे सरकार को इस पर बहुत मैंने बहुत गंभीर रूप से सोचना भी चाहिए, ये जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और मैंने क्या बोले, ये जहाँ जहाँ से वो जन्मे थे वो गली वो घर वो मंजर सब सुना पड़ा है, नहीं ठीक ठाक लग रहा है, मैं दिल से बहुत आहत में हूँ। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को एक नज़र देना चाहिए। मैं यहाँ पहुँच करके मैं अपने आप को धन्य हो गया इस मिट्टी से मिल करके, इस मिट्टी को अपने शरीर से लगा करके मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे साथ गोपालगंज से चल के आए हैं एक छात्र हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। जी बहुत अच्छा लगा, बचपन से ही किताबों में से पढ़े थे राजेंद्र बाबू के बारे में, लेकिन यहाँ पे घूमने की इच्छा हुई तो आ गए। देखें यहाँ पे सही है, लेकिन अब जितना हम पूछते थे उतना अच्छा अच्छा मतलब क्या मतलब सरकार मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए देश के प्रथम राष्ट्रपति को वो उनके पैतृक गांव में नहीं है यहाँ पे, फिर भी ठीक है जो है। तो अब हमारे साथ हैं अपना लाइव न्यूज चैनल के कैमरामैन जो साथ में आए हुए हैं विशेष करके, जिनसे हम बात करते हैं कि इनको कैसा लगा। सबको नमस्कार प्रणाम। हम आज आए थे घूमने के लिए, मैंने बचपन से इच्छा था कि हम जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो आज मैं अपने सर के साथ घूमने के लिए आया। मैं सोचा कि कुछ वहाँ खास होगा, कुछ खास देखने के लिए मिलेगा, तो मैं आया तो यहाँ कुछ खास नहीं मिला। नहीं होता है कि कोई भव्य चीज़ें कोई दिखने के लिए मिलेगा, तो वो सब हमको नहीं मिला देखने के लिए। बहुत थोड़ा दुख लगे कि इतना मैंने दूर से चल के आए और कुछ अच्छा दिखने का नहीं मिला।